और अब खबरें विस्तार से। पुलिस कार्रवाई का डर अच्छे अच्छों को सच्चाई उगलने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह का एक मामला इमामवाड़ा पुलिस के सामने आया। एक युवक ने पेट्रोल पंप से नगद चोरी की और जबलपुर भाग गया। पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर मिला। हालांकि गर्लफ्रेंड भी उसे बचाने में मदद कर रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस ने गर्लफ्रेंड की मदद से उसे जबलपुर से धर दबोचा। मेडिकल चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करने वाले रीवा मध्य प्रदेश निवासी धर्मेंद्र मिश्रा को उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने पेट्रोल पंप के गल्ले से 93,000 रुपये चोरी कर भाग गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में धर्मेंद्र चोरी करता हुआ दिख रहा था। ऐसे में उसका मोबाइल ट्रेसिंग पर रख कर तलाश शुरू की गई थी। ट्रेसिंग के दौरान पता चला कि वह सिम कार्ड नंबर बदल रहा था। हर बार उसकी लोकेशन जबलपुर शहर में दिख रही थी, लेकिन हर बार वह एक निश्चित मोबाइल नंबर से ही बात कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने उस नंबर की जानकारी हासिल की। पता चला कि वह नंबर धर्मेंद्र की गर्लफ्रेंड का है। ऐसे में पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से संपर्क किया। उसे बताया गया कि धर्मेंद्र नागपुर से चोरी करके भागा है। हालांकि गर्लफ्रेंड को जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने दबाव डाला कि यदि आरोपी की मदद करेगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। युवती मान गई और धर्मेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ जबलपुर गई। युवती ने उसे जबलपुर के बस स्टैंड के पास मिलने को बुलाया। पुलिस पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन ला दिनांक 7/12/2021 या दिवशी 381 भादवी अन्वये गुन्हा नोंद झाला होता। आणि इंडियन ऑइल पंपचे मॅनेजर श्री विनय मनोहर कडवे यांनी फिर्याद दिली होती। तर त्यांची फिर्याद तेथील गार्ड पेट्रोल पंपावरील गार्ड धर्मेंद्र मिश्रा याच्या विरोधात दिली होती। त्याने ड्युटीवरून जायच्या वेळेस 93,000 रुपये ड्रॉवरमधून काढून चोरून नेले होते अशी माहिती समजली होती। तर त्या अनुषंगाने आपण तात्काळ जबलपूर रोडला टीम रवाना केली होती। आपण सदर गुन्ह्याचा तपास तांत्रिक ट्रॅडिशनल तसंच टॅक्टिक्स वापरून त्याला ताब्यात घेऊन 88,940 तसेच 2 मोबाईल असा 1,940,000 रुपयाचा मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे। सध्या तो आरोपी अटकेत आहे आणि आपण कायदेशीर पुढील कारवाई करीत आहोत। तो साधारणतः 15 दिवसापासून नोकरीला होता पेट्रोल पंपावर। पण त्याचं जे काम करण्याची पद्धत किंवा अनडिसिप्लिन वेळेवर न येणे यामुळे त्याला त्याच दिवशी तो उशीर आल्यामुळे त्याला काढून टाकला होता। त्याची जे पगार जे काम केल्याचं रक्कम होती त्याला दिलेली होती, मग जाता जाता त्याने ते पैसे चोरून नेले।